नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट की हवाएं मौसम में तब्दीली का इशारा कर रही हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2021 में ही जनगणना के पत्र की बात कर झारखंड में अपना तुरुप का इक्का खेल चुके हैं और जेएमएम के साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी अब इसी पाले में नजर आ रहे हैं। मगर बीजेपी के पास फिलहाल इस चाल की काट ढूंढ पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जनगणना का सवाल, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अपना ओबीसी आधार। देखना यह है कि आखिर चुनावी रणनीति में माहिर बीजेपी और सभी पार्टियों से एक कदम आगे की चाल का इतिहास क्या इस बार भी बीजेपी के रणनीतिकार बना पाते हैं, या फिर जातिगत जनगणना के दांव पर चारों खाने चित हो जाते हैं। तो ओबीसी और जनगणना के सवाल पर आज जानेंगे पार्टियों का हालचाल, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। जातिगत जनगणना कराएंगे राजनीति? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो ये बात सरकार का बिल्कुल अस्पष्ट है। जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार उनको मिले। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत तो जिस तरह से झारखंड में भी अब जनगणना को लेकर सवाल उठने लगे हैं, ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि बिहार के बाद पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं जनगणना को लेकर अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सेदारी और रणनीति के हिसाब से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरफ ऐसा लग रहा है कि जनगणना को पूरी तरह से स्वीकार करती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में क्या झारखंड में भी जब ये हवाएं तेज हो गई हैं तो उस पर बीजेपी अब आगे आने वाले समय में अपना क्या दांव लेकर आती है, ये बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से आपको यहां पर बताया, राज्य में यदि आपको बताएं तो कुल आबादी का 52% से पिछड़े वर्ग के तहत आने वाले लोगों का है। ऐसे में इस समय की यदि हालत देखी जाए तो अभी ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त होता है वो 14% आरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना कार्ड भी खेला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2021 में ही उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री को सौंपा, साथ ही साथ नवम्बर 2021 में गृहमंत्री तक ये रिपोर्ट पहुंचाई गई और उनसे इस बात की दरखास्त की गई कि जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो मामला अटका हुआ है उसे आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन यहां पर बीजेपी के पाले में गेंद खेल का फेंककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार 2024 के चुनाव से पहले और साथ ही साथ राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। अब जनता को यह डिसाइड करना है, जनता को इस बात का फैसला लेना है कि उन्हें किसके साथ रखना है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशाद अख्तर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। और इसके अलावा हमारे साथ सुजी सरकार जेएमएम नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले इरशाद जी, आपसे मेरा सवाल है, बिहार में जिस तरह से जनगणना का सर्वे सामने आया है और आंकड़े सामने आए हैं, ऐसे में यह माना जा रहा था कि झारखंड तक इसकी आंच पहुंचेगी, लेकिन आंच भी पहुंची है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए अब मुश्किलें भी खड़ी होने वाली है। इरशाद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? इरशाद जी, आपसे अनुरोध करूंगी अपने फोन को आप अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी, क्या मेरा सवाल आप तक पहुंचा? दोबारा बता देंगे।
ठीक है अर्शाद जी, आपके पास मैं आती हूँ, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है हमारे साथ। इसी बीच सुजीत जी भी लगातार बने हुए हैं। सुजीत जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात तो आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को पत्र भेजा गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि जातिगत जनगणना की ये जो बात की है, इसके सहारे चुनावी नैया पार लग जाएगी आपकी? ये चुनावी नैया पार करने की बात नहीं है, जो ये बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इससे झारखंड के जनमानस बिल्कुल भी सहमत नहीं है। नहीं, क्योंकि जिस तरह से ईडी के सम्मन पर मुख्यमंत्री सम्मन पर नहीं गए, और जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है झारखंड में, ऐसे में लग रहा है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके फायदे में साबित हो सकता है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हमेशा से पब्लिक के बीच में रही है, और पब्लिक जो है उनको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाई है। इसमें तो झारखंडी जनता का देन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और किसके क्या कौन कह रहा है इसमें मैं बोलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी के बोल देने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, ये कोर्ट तय करेगा और इन्वेस्टिगेशन तय करेगा। हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन और आरोप राजनीति के तहत नहीं होना चाहिए। अभी जो बात हो रही है कि जातिगत आरक्षण की, तो मंडल आयोग कमीशन बना क्यों? मंडल आयोग कमीशन बना था कि जो पिछड़े समाज के लोग मुख्यधारा में नहीं जा पा रहे, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, और इसी संकल्प के साथ में आज को भारतवर्ष की हर एक पार्टियां राजनीति करती है। तो इसी बात यही है कि जिस माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जरूर रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या है और हमारी जनसंख्या पिछड़ी हुई है, तो उस जनसंख्या को उस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पत्र तो आपने 2021 में भेजा था। सुजीत जी, मेरा सवाल, छोटा सा सवाल बीच में और सुन लीजिए, पत्र आपने 2021 में भेजा था, 2023 पूरा खत्म होने को आया है, चुनाव में कुछ ही समय बचा है, पूरा 2022 चला गया, दो साल आपको याद नहीं आई, चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आपको लगा कि ये मुद्दा आप कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा दे सकता है? चूंकि हम लोग का जो राज्य का जो संविधान में दिए हुए जो नियम है, उस नियम के अनुकूल में विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के माध्यम से वो बिल जाता है केंद्र सरकार को। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सर्वविदित है कि जो भी राज्यपाल आते हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पे जो है कठपुतली के रूप में हमेशा से काम करती है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जब तक राज्यपाल इस बिल को नहीं भेजेंगे केंद्र में, तो वो कैसे लोकसभा राज्यसभा में जो पास होकर बिल बन पाएगा? हमने तो राजहित में राज्य के लोगों के लिए बिल को विधानसभा से पास करके बहुमत से जो है राज्यपाल को भेज दिया, और राज्यपाल इस मामले को लटकाए हुए रहे, चूंकि मंशा उनकी साफ है राज्यपाल की, वो केंद्र के सार पे काम कर रहे हैं, और ताकि वो चाह रहे हैं कि आरक्षण जो बढ़ाने का जो प्रस्ताव जो है विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से पारित हुआ है, वो लंबित रहे। और आज देश की मौजूदा स्थिति जो है उसमें जातीय आरक्षण जनगणना जो है निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं, इरशाद अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आ रही है। जी इरशाद जी, यहाँ पर सवाल जिस तरह से उठ रहा है, बिहार में जिस तरह से सर्वे सामने आया, यकीनन अब हर चुनाव में इसकी आंच जरूर पहुंचेगी, और झारखंड की जब हम बात करें तो चुनाव नजदीक है, और झारखंड में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठकर उभर कर निकल आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की मुश्किलें क्या झारखंड में बढ़ सकती हैं, या जेएमएम इसके सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है? जी बिल्कुल, देखिए यह है कि इसके विपक्ष में जो भी लोग होंगे, जातिगत जनगणना के विपक्ष में जो भी लोग होंगे, उनकी मुश्किलें इलेक्शन में बढ़ सकती हैं। और ये मामला, ये आज का मामला नहीं है, मैं ये बता दूं कि ये अंग्रेजों के काल से ही जातिगत, अंग्रेजों के काल में जातिगत जनगणना होती थी, और 1931 के बाद से ये जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। उसके बाद 1941 में हुआ जो रिपोर्ट नहीं आ पाई, उसके बाद में फिर 1951 में जब देश आजाद हो चुका था, उसके बाद फिर ये इस चीज को चेंज करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सिर्फ ये किया जाता था जी। लेकिन 1951 से लेकर के 2011 तक इसी आधार पे चला आ रहा था, लेकिन ये इसकी मांग हमेशा से उठती रही है, जातीय जनगणना की मांग हमेशा से उठती रही, और ये जरूरी भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी भी है कि अगर किसी, आप इस तरह से समझे कि किसी गांव में अगर मान लीजिए कि एक बाढ़ आ जाती है और रेस्क्यू टीम जाती है, तो वहां पे जो दबंग तरह के लोग होते हैं या जो मुखर होते हैं समाज में,
तो वो इस तरह से अपने लिए कुछ ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, जो इस चीज से ये होते हैं, उन तक वो राहत पहुंच नहीं पाती है जी। तो आखिर सरकार को पता चलेगा कैसे कि किसके घर में ये जाना गया या नहीं गया, मदद जो पहुंचाई गई वो सही सभी तक सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो वही है, जब समाज में पूरे पूरे समाज में जिस तरह से लोग हैं, तो जो कुछ लोग आगे बढ़ के शुरू से रहे हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है जी। और जो दबे कुछले लोग हैं उन तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि जातीय जनगणना से ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से सरकारी नीतियों को पहुंचाना है। नहीं ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं, जातिगत जनगणना यदि फायदे की चीज है तो वो होनी चाहिए और हर कोई इसका समर्थन करता है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले याद आता है समय की यदि हम बात करें। मैं इसी चीज पे आना चाह रहा था कि ये एक पॉलिटिकल व्यू आ गया, ये किसी के अंदर भी इस भावना से लोग काम नहीं कर रहे हैं कि दबे कुचले लोगों को इसका फायदा होना चाहिए जी। अगर इस तरह से होता तो आजादी के बाद से आज ये बात हम लोग नहीं कर रहे होते। आजादी के बाद से जिस तरह से लोगों ने शासन किया है, तो आज 75 साल वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं आजादी का, ये टॉपिक पे हम लोग बात नहीं कर रहे होते, हमारा टॉपिक कुछ और होता। तो ये राजनीति से प्रेरित रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और आज भी जो हो रहा है वो राजनीति हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, हम गरीबों की बात करते हैं। जब आप गरीबों की बात कर रहे थे तो फिर विश्वकर्मा योजना क्यों लेकर के आए, वो भी तो जातिगत आधारित था। तो सभी, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ही सिर्फ, यहाँ पे सभी पार्टियां राजनीति कर रही है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ को सही जो लोगों का जो हक है वो मिलना चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी से प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि जातिगत जनगणना की जब बात आ रही है, पहली बात तो ये कि इसमें तकलीफ क्या है, दूसरी बात ये कि 2000 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कहना है कि 2021 में आपके पास राज्यपाल को भेज दिया गया, गृहमंत्री से भी इस बात की गुजारिश की गई कि इस पर वो आगे काम करे ताकि जातिगत जनगणना वहां पर हो सके, उनके राज्य में हो सके, लेकिन वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में गया है और आप इसे सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं, क्या कहना है इस पर, दोनों ही सवालों पर आपका? देखिए, पहली बात जो माननीय मुख्यमंत्री ने जी इस जातीय जनगणना विषय पे जो बातें कही है, जो मैंने आपका स्क्रीन पर मैं देख रहा था, देखिए कुल मिला के एकदम स्पष्ट रूप से ये इसको एकदम मान लीजिए कि ये एक चुनावी स्टंट है। ये चार साल लगभग ये चार साल पूरा करने जा रहे हैं अपने कार्यकाल के, अब चार साल के बाद इनको अभी याद आया जातीय जनगणना की? अब मैं आपको और एक बात बता दूं कि आप कैसे जनगणना कराएंगे? राज्य में आदिवासी की संख्या घटी है, घटने के पीछे धर्मांतरण, कहीं ना कहीं आदिवासी महिलाओं का जिस तरह से गैर आदिवासी समाज में जो विवाह कर ली गई जिससे आबादी घटी है, आप क्या कहेंगे साहब आप? अरे लेकिन अशोक जी ये आंकड़े आप दे रहे हैं बिना जनगणना के, ये आंकड़े आप, पहली बात तो अगर आंकड़ों को आप समर्थन करना चाहते थे तो आपको जनगणना करानी चाहिए थी। दूसरी बात यहाँ पर ये कि उनका तो साफ कहना है आपके पाले में उन्होंने गेंद को फेंक दिया है, उनका कहना है उन्होंने आपको पत्र दे दिया, उन्होंने आपसे गुजारिश कर ली, आपकी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना नहीं कराई गई। प्रियंका जी, मैं पूछिए, तो ये 2011 में जो मनमोहन सरकार और बिहार सरकार की कॉपी कर रहे हैं, आपको चार साल में एक बार ध्यान में नहीं आया कि राज्य में झारखंड जैसे राज्य में जातीय जनगणना कर रहे हो? अब ये चुनाव लोकसभा दो चार महीना के बाद चुनाव लोकसभा चुनाव सामने में है, आप कैसे करेंगे साहब? आप सिर्फ राज्य, अरे तो आपके पास तो दो साल पहले से पत्र था, आपकी सरकार के पास दो साल पहले से था ना, आप चाहते तो जनगणना भी करा लेते, उसके आधार पर जनता को फायदा भी हो जाता और उसके आधार पर चुनाव भी लड़ लेते। देखिए प्रियंका जी, ये राजनीति ये फोपा फोपी चलते रह रहा है। मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, साथी को पूरा कर लेता हूँ। देखिए, जब भी कोई बात आती है, यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब बात करनी होती 1932 का, तो विधानसभा के पटल पे आप नेता दल है, आप मुख्यमंत्री है, सम्मानित व्यक्ति है, आप विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर हम 1932 पास करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट खारिज कर देगा और आप उसी विधानसभा से पारित करने के बाद में अशोक जी के गांव में केंद्र को भेज दिया, केंद्र कर ले रही है, केंद्र सरकार की कठपुतली और इशारे पर 1932 को लौटा दिया, एक तरफ बोलती है 1932 का समर्थन करते हो, आप 1932 का समर्थन करते हो, नहीं करते हो, आप 1932 का समर्थन नहीं करते हो, हमको पता है, अगर आप 1932 का समर्थन करते हैं आपके सारे विधायक विधानसभा में उस बिल के पक्ष में वोट देता, आपके पार्टी के विधायक आपको जब सदन से बाहर नहीं आता,
सदन से बाहर नहीं आता आपके पार्टी के विधायक, आप झूठ बोल रहे हैं और हमेशा से झूठ बोल कर आए कि आप लोग करते हैं। यही बड़ी बीजेपी की राय चल रही है और यही बीजेपी की सच्चाई नहीं है। आज जब आदिवासी का बेटा समाज को आगे ले जा रहा है, सभी बड़ों को आरक्षण और सभी बड़े को जाति जनगणना के साथ एक हिस्सा लेने की बात कर रही है, तब आप लोग मिट्टी लग रही है, आप लोग क्या देगा आप लोग क्या विरोधी हो, आप लोग संविधान मानसिकता के लोग हो, आप देश के बाद आप देश के संविधान के किस साबित करने वाले लोग हो, आप देश को बेचने वाले लोग हो, आप बताओ ठीक है ठीक है। मैं हमारे साथ इंदु कांत जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। इंदु कांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। और जिस तरह से हम आज बातचीत कर रहे हैं, झारखंड में जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि उन्होंने पत्र दे दिया था, केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव नजदीक आए हैं इसलिए ये याद आया है, 3-4 महीना में जनगणना नहीं हो सकती है। क्या कहना है इस पर? राजनीतिक फायदा तो जरूर उठा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां उठाना चाहेंगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया इससे जनता को कोई भला होगा? जी नमस्कार प्रियंका जी, जी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए जाति जनगणना को लेकर के जो लोग भी आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अगर उन्हें वास्तव में जाति जनगणना करानी थी तो देश की आजादी के बाद 75 साल बीत गए, किसने रोका था? उसके फायदे नफे नुकसान तो एक दूसरी बात है कि क्या नफा है क्या नुकसान है। वास्तविकता यह है प्रियंका जी, मैं मानता हूं कि जातीयता को घटाने के लिए देश में समाज में जितना काम हो सके, जातीयता का जो प्रतिद्वंदिता है आपस में उसको लेकर जो विवाद है झगड़ा है उसको कम करने का समय है। इससे समाज में सामंजस्य बने, लोग एक दूसरे को चाहे, न कि एक दूसरे के लिए प्रतिकार की भावना रखे। लेकिन ये न करके जातीयता की बातें सिर्फ इसलिए हो रही है कि राजनीतिक लाभ कैसे हो सके जी। ये भाजपा का आरोप जो है बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है कि चुनाव आने के पहले आप जाति जनगणना कराते हैं। अगर सर्वे कराया जैसे बिहार गवर्नमेंट ने, तो जब उसका आधार मांगा गया कि इसका साइंटिफिक आधार क्या है, डेटा कहाँ से आया कैसे आया, आप सारी चीजों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो जो जनगणना अंतिम हुई थी और जो प्रेजेंट प्रोजेक्टेड जनगणना है उनसे चीजें मैच नहीं करती, बिल्कुल मिस मैच करता है। और चुनाव के पहले इस तरह के विवाद खड़े करना निश्चित तौर पर यह राजनीतिक लाभ के लिए दिखता है प्रियंका जी, कम से कम देश और समाज के लिए इस समय तो बिल्कुल इसका कोई लाभ नहीं। सुजीत जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आया है और हमने आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्यपाल विधानसभा से बिल पास करके राज्यपाल के थ्रू से केंद्र सरकार को भेजने के लिए कहा था, लेकिन वो दबा कर रखे हुए हैं जो बिल्कुल राजनीत में नहीं है। देखिए किसी भी समाज में अगर उनकी जनसंख्या बढ़ी है तो उसको लाभ भी ज्यादा बड़ा देना चाहिए। आज तक भारत का इतिहास रहा है कि कभी भी जातीय संघर्ष नहीं हुई है, बहुत कम जगह को बाइल अगर आप देखें तो कहीं कुछ दूसरी घटना हुआ होगा उसको जातीय संघर्ष का रूप दिया गया है। आप बता दीजिए मराठा में कभी जातीय संघर्ष हुआ है? जहां मराठी है वहां देखिए जातीय जो है जनगणना होती है। क्या बंगाल में कभी जातीय संघर्ष हुआ है? कभी मध्य प्रदेश में हुआ है? कभी गुजरात में हुआ है गुजराती लोगों का? नहीं हुआ है। तो उसी तरह से जिस जिस राज्य में पूरे भारत देश में जो भी राज्य है राज्य सरकार है अगर वहां जातीय जनगणना होती है और उस जातीय जनगणना के जो आंकड़े सामने आते हैं उसके अनुसार विकास के लिए खाका तैयार करेंगे राज्य सरकार और उस जाति को ज्यादा लाभ मिलेगा, ताकि जो पिछड़े हैं जनसंख्या बड़ी है लेकिन वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है इंदु कांत जी सुजीत जी का कहना है कि 21 में उन्होंने भेज दिया उसके बाद केंद्र सरकार ने दबा कर रखा है। देखिए एक छोटी सी बात है, अगर हम सुजीत जी की ही बात को मान लें कि ये 2021 में इन्होंने भेज दिया, 2009 में क्या कर रहे थे, 2013 में क्या कर रहे थे, और इनके जो सपोर्टिंग पार्टी है कांग्रेस वो तो देश को आजाद कराने वाली पार्टी थी।
तो अगर ये बातें आप करें जब शिबु सोरेन जी की सरकार बनी थी भाजपा के साथ मिलकर, उसको भूल जाइए। और इसलिए इस दिन की बातें करना, और वो भी तब जब आपके सरकार के लिए संकट दिखाई दे, जब आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, आखिर जातीय जनगणना से उद्देश्य क्या हासिल करना चाहते हैं। मैं सुजीत जी के तर्क पर एक मिनट ये बात कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जिसकी जितनी परसेंटेज हमारे देश के राजनीति में समाज में मिलता है जी, उसी के हिसाब से सारी चीजें बांटनी हो तो देश किस चीज का नाम है? आखिरकार किसी चीज का एग्जाम होता है, किस लिए होता है? आखिरकार अगर इलेक्शंस होता है, किस लिए होता है? अरे भाई, सारी सीटें आप बांट दीजिए, इतने बैकवर्ड क्लास को देंगे, इतने एसटी को देंगे, मोदी सरकार ने बांट लिया है, और समाज को दुनिया में नहीं आपने देखा है, आरक्षण चल आ रही है, उस आरक्षण को खत्म कर दे, किस चीज का लोकतंत्र है? खत्म जी अशोक जी, ठीक है अशोक जी, अशोक जी नहीं, उनमें हिम्मत है। अगर कोई राज्य सरकार कुछ देने जा रही है तो बीजेपी उसमें टांग अड़ा रही है। क्या मोदी सरकार मंडल कमीशन आयोग को रिजेक्ट कर सकती है, उसका लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करके कानून ला सकती है, क्या आरक्षण को खत्म कर सकती है? नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा भी उसी आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जीत कर जाती है जिससे हम लोग जाते हैं। बात ये नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरशाद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन क्या लगता है, क्या चुनाव के बाद एक बार फिर जनता का कोई भला होने वाला है इससे? मैं पंचायत चुनाव में इन लोगों ने, अभी झारखंड के पंचायत चुनाव में समाप्त हुई है, इन्होंने ओबीसी आरक्षण को वोटा लगा काम किया, जरा इन लोग भी बताए। लेकिन आरक्षण का चिंता है, आरक्षण का चिंता है तो झारखंड में आदिवासियों की गिरती हुई जो संख्या है, अगर जातीय जनगणना आदिवासी घटेगा। ठीक है सुजीत जी, फाइनल कॉमेंट दीजिएगा, फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। सरकार यदि आ जाती है, चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन यदि सरकार आती है तो क्या करेंगे आप? जी मैं बोलूं जी, सरकार हमारी पार्टी की रहे या ना रहे उसकी चिंता नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चिंता है झारखंडियों की, और यहाँ पर जो दलित पिछड़ी आदिवासी जो समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका जनगणना कराया जाएगा। अशोक जी आपका कमेंट, अशोक जी आपका कमेंट। हेमंत सोरेन जी लेकर आई है, राजनीति से प्रेरित है, इसे इलाके राज्य की जनता जान गई है कि इनके चार सालों में कुछ किए नहीं है, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए राज्य की जनता जानती है कि सिर्फ एक दिखावा है, एक राजनीति का स्टंट है और कुछ नहीं। ठीक है इंदु कांजी, तो आप राज्यपाल को बोल दीजिए ना बिल पास कर देगा। इंदु कांजी जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ जाति की बात हो रही है, एक तरफ अमीर गरीब की बात हो रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आरक्षण और ये मुद्दा इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ठीक करिए प्रियंका जी, आरक्षण का मुद्दा इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, उसका कारण है कि उसी को आधार बना के राजनीति करना चाहती हैं देश की पार्टियां। देश का विकास, समाज में कैसे सामंजस्य हो, सहभाव हो, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि कैसे मंडल टू यहाँ पे ला करके देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा जाए और अपनी राजनीति चमकाई जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इंदु कांत जी बहुत धन्यवाद आपका, अशोक जी बहुत धन्यवाद, सुधीर जी आपका और इरशाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे बिहार के बाद, अब झारखंड में भी जिस तरह से जातिगत जनगणना की आंच तो पहुंच गई है, लेकिन इस आंच में कौन सी पार्टी रोटियां सेक पाने में कामयाब होगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कोशिशें तो हर पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। अब जनता को ये तय करना है कि जनता के हित में क्या है, कौन सी पार्टी उसका भला सोचती है, और ये जनगणना होती है या नहीं होती है, इससे जनता को आगे आने वाले समय में क्या फायदा होने वाला है, इसके आधार पर वोट करना जनता के हक की अब बात है और जनता को ही इस बारे में सोचना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।